देखिए जो है आपका लेक्चर नंबर जो है 13 है, 13वां लेक्चर है क्लास 10th का जो है फिजिक्स का, ठीक है। तो आज दिन में वीडियो नहीं बन पाया था, ठीक है, तो ये रात में वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो आप लोग इसको कवर कीजिएगा। देखिए तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो है 6 केसेज हमको मिला था, यहाँ पे केवल 2 केसेज होगा, एक जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा और एक केस ऐसा होगा जिसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे किसी पॉइंट पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो हमने बना दिया है, देखिए तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा ना तो हम लोग जो है रेज को पैरल ही तो भेजते हैं, तो हमने 2 रेज भेज दिया पैरल, ठीक है। देखिये तो ये इसका जनरल रिफ्लेक्शन ऐसे होके जाएगा और ये इधर ऐसे होके जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये रेज पीछे से किसी एक पॉइंट से निकल के आ रहा है, ठीक है, और जिस पॉइंट से निकल के आता है उस पॉइंट को क्या मानते हो, फोकस मानते हो, ठीक है। तो हमारा इमेज जो बनेगा ना बहुत छोटा बनेगा और कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो अब इस इमेज से रिलेटेड जो है हमको 3 बातें लिखनी है, कौन कौन सी बातें, पहली बात की इमेज कैसा होगा, कहां बनेगा, तो क्या लिख देंगे, एट फोकस, कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरी बात, इमेज जो है उसका नेचर क्या होता है, ठीक ना, या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा छोटा तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक ना, तो वेरी डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा कह सकते हो। और तीसरा, इसका नेचर क्या हो जाएगा तो बताइए, क्योंकि ये मिरर के पीछे बना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर बना है, तो ये जो होगा वो वर्चुअल, कैसा होगा, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, ठीक है। तो एक केस आपका फाइनल हो गया। केस नंबर सेकंड में हमको इन्फिनिटी पे छोड़ के कहीं भी रख दीजिए, ठीक ना, तो हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको पता चल गया, अच्छा इसमें पोजीशन नहीं पता था, इन्फिनिटी पे था, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाए नहीं थे, ठीक है, केवल इमेज यहाँ पे बनाया है फोकस पे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे तो हमको जो ऑब्जेक्ट का पोजिशन पता चल गया, तो अब यहाँ पे हमको इमेज बनाना है, ठीक ना, इस मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। देखिए तो एक रेज को ऐसे पैरल भेज दिया, पैरल भेजेंगे तो ऐसे होके जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से निकल के आ रहा है, दैट पॉइंट इज द फोकस, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अच्छा एक जो है जरा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेजा जाए, देखिए भेज दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, इधर की ओर, क्या इसी वापस लौट आएगा, इसी को वापस लौट आएगा, तो देखिए पीछे से ऐसा लग रहा है कहीं से निकल के आ रहा है, ठीक ना, और वो कहां से निकलता है वो दिखाई देगा हमको, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये दोनों जो रेज है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही पे केस का फॉर्मेशन हो जाएगा इमेज का, ठीक ना, यानी ये ओ ओ डैश है ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा बन जाएगा आई आई डैश इमेज, ठीक ना। अब इमेज से रिलेटेड कितनी बातें लिखनी है, बस 3 बातें, तो देखिए कहां बना है, ये पोल होता है, ठीक है, पोल, तो पहली बात कहां बना है, तो बताइए कहां बना है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, तो लिख देना है पोल एंड फोकस, यहाँ पे बिटवीन लिख दिया हमने, ठीक ना, कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा। अच्छा दूसरी बात क्या लिखनी होती है, तो इमेज कैसा बनेगा बताइए, कितना मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाए छोटा, देखिए छोटा बनाया, ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट बात इसका नेचर, तो देखिए जो कॉन्वेक्स के द्वारा इमेज बनता है ना वो हमेशा वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए बाकी के जो है इसके आगे देखिए।